ओ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो ये है सिर्फ SMP और मैंने इसे रिसेंटली ही ज्वाइन करा है। इसमें सारे जो है क्रिएटर्स ही खेलते हैं ज़्यादातर, कोई भी ऐसा पब्लिक SMP नहीं है, प्राइवेट SMP है। स्केलेटन यार, इसको चलो मर गया स्केलेटन, तो नल्ला विलेजर तो नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने बनाया था एक ब्रिज जो कि कनेक्ट करता है दोनों साइड को, मतलब रिवर को ओवर पास करता है। साइड में पोर्ट स्टैंड है, यहाँ से सीधे जाएंगे तो यह है पीयूष भाई का घर जो कि उनने मुझसे ही बनवाया था। तो देखिए बाहर से देख लीजिए इसको, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, डिटेलिंग वाला एकदम। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको बाहर से ही, क्योंकि उनकी भी वीडियो आने वाली है तो स्पॉइल हो जाएगा अभी से ही, फिर उनकी वीडियो ख़राब हो जाएगी, मतलब नहीं कुछ। तो ठीक है, बाहर से इसको बढ़िया सा लग रहा है। चलो अब आगे चलते हैं, चलो वही वाले ब्रिज को पार करके चलते हैं दूसरी तरफ वापस से। और गाइस आज का प्लान तो मैंने बताया नहीं, तो आज हम बनाने वाले हैं एक कैफ़े जो कि सर्वर में सबके लिए होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। देखते हैं कहाँ पर अच्छा एरिया मिलेगा। वैसे जहाँ पर मैंने इंट्रो करी थी शायद वहीं पर बनाऊँगा मैं। तो पहले तो इस एरिया को मैंने क्लियर कर लिया था ऑफ वीडियो, जो कि काफ़ी अच्छा सा प्लेन हो गया है। वो जो ऊपर से आप हाउस देख रहे हैं वो अबेंडेंड हो चुका है, कोई नहीं रहता वहाँ पर। तो चलिए, जो सामान है वो मैंने चेस्ट में जमा करके रख दिया था पहले से ही। काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ गया इस कैफ़े को बनाने के लिए, तो सामान आप देख सकते हैं चेस्ट में। सामान बाद में दिखाते हैं, पहले तो इस कैफ़े का लेआउट बना लेते हैं पूरा, जितना भी लेआउट है मतलब कैसा ये होने वाला है, कैसा दिखने वाला है, उस टाइप का लेआउट बना लेते हैं। तो यहाँ से शवल से मैं जो है लेआउट बना रहा हूँ यहाँ पर, फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए आप। तो गाइस यहाँ पर जो लेआउट जो बन के तैयार हो चुका है, अब सो जाते हैं, रात हो रही है, ठीक है। तो वापस सुबह हो चुकी है, अब ये देखिए आप लेआउट आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसके ऊपर बनाते हैं अपना कैफ़े। तो अब मैं आपको सामान दिखा रहा हूँ जो कि मैंने पहले से चेस्ट में जमा करके रखा है, काफ़ी सारा जो इसमें वुड, कॉबल स्टोन और टेराकोटा लगने वाला है, जो कि टेराकोटा लाने में मुझे बहुत टाइम लग गया कसम से। तो अब चलिए सबसे पहले तो ये फ्लोरिंग जो है चेंज कर देते हैं, ग्रास ब्लॉक निकाल के यहाँ पर फ्लोर लगा देते हैं। ये आप घर देख रहे हैं, जो ट्री सारे उगा दिए हैं। ये जिसका सर्वर है उन भाई का घर है, शिवम भाई का। तो ये पता नहीं उनने क्या सोच के ये घर बनाया, लेकिन उनने अच्छा लॉजिक दिया था पिछली बार, उनकी वीडियो में देखिए आप, लॉजिक एक नंबर दिया था उन्होंने। चलिए थोड़ा सा वुड कम पड़ गया तो वो लेके आ जाता हूँ मैं फटाफट से, साइड में ही काफ़ी सारे पेड़ हैं, फटाफट से वुड कलेक्ट करके चलते हैं। अरे हाँ गाइस, ये मैं बोर्ड दिखाना तो भूल ही गया, ये बोर्ड भी मैंने बनाई थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। एक जने का ही घर हो सकता है अगर किसी को चाहिए तो। ये भी मैं वहाँ पर नहीं रहता ज़्यादा कुछ। तो यहाँ पर मैंने लॉक का बना लिया है प्लैंक, और प्लैंक मैंने फिल कर दिया है जितनी भी जगह बची थी। तो ये फ्लोरिंग का काम अब अपना कम्प्लीट हो चुका है, अब आगे देखते हैं। बस अब जो है बिल्ड को बनाना चालू कर देते हैं। पहले तो ऑक्सीडाइज कॉपर, इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया, पहले मेरे को कॉपर इकट्ठा करना पड़ा, उसके बाद इसको एयर में रखना पड़ा ताकि ये ऑक्सीडाइज हो जाए, और एक सही टाइम पर निकालना था ताकि ऐसा ज़्यादा भी ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो अब ये पता नहीं बिल्ड में ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं, देखते हैं।
होना तो चाहिए सर। इसके ऊपर मैंने 5 ब्लॉक ऊपर और ले लिया है टेराकोटा से, 1 ब्लॉक कॉपर का लगा के। तो इसके बाद देखते हैं दूसरी तरफ भी सेम करना है, मतलब ये बेस तो सेम ही रहेगा। अब जो बेस का काम जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब अपने को चाहिए कि स्ट्रिप स्क्रूज लॉक, तो अब वो उधर साइड में लगाते हैं ताकि वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ये कुछ बार बार से तैयार हो चुका है अपना बिल्ड कैफे, जो कि कुछ ऐसा दिखने वाला है। बेसिक स्ट्रक्चर, अभी इसमें डिटेलिंग और डिजाइनिंग अभी बची है।
तो ऐसे ही देखिए छत डल चुकी है, हल्की फुल्की जो डिटेलिंग हो चुकी है। अगर मैं अब मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो तो गाइस ये देखो, थोड़ी और डिटेलिंग के बाद अपना कैफे कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपको डायरेक्ट मेजर डिटेलिंग करके मिलता हूँ। खड़ा है तो गाइस वेलकम बैक। कैफे हो चुका है पूरी तरह से रेडी, हर एक छोटी से छोटी डिटेलिंग भी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैफे इन 3 2 1। टड़ा है, नेटफ्लिक्स याद आ गया भाई। ये देखो कैफे बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है, और वो जो कॉफ़ी लिखा हुआ है और RGB लाइट ज्वेलरी, वो इस कैफ़े की खूबसूरती को और एनहांस कर रहे हैं। यहाँ पे एक चॉक बोर्ड है, पता नहीं उसमें क्या लिखा है, वेलकम। यहाँ पे देखिए केक्स वेक्स पड़े हैं, काउंटर बना हुआ है, ये काफ़ी बढ़िया सेटिंग प्लेसमेंट्स है। कूल विंडो के पास ये है कॉफ़ी मशीन जिससे कॉफ़ी निकलेगा गरम गरम। ये है फर्नेंस जो कि कुछ भी कुक करने में काम आती है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। भाई साहब ये तो क्या एरिया है भाई, चारों तरफ इसमें व्यू मिल रहा है SMP का, और सीटिंग एरिया यहाँ पर भी काफ़ी मस्त है। मतलब कल फिक्सल आ सकते हैं, अच्छी चीज़ है, पर उसके लिए गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, दैट्स द पॉइंट। तो चलो ये था हमारा कैफ़े, आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। और एक खूबसूरत सा ओवरव्यू या टाइम लैप्स जिसको बोलते हैं, वो एंजॉय करिए। ओके गाइस, मिलते हैं ऐसी कुछ धमाकेदार बिल्स वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।